पुलिस कमिश्नरेट आगरा में मिशन शक्ति के तहत पुलिस का महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत फतेहपुर सीकरी स्थित विनायक रिसोर्ट में सहायक पुलिस आयुक्त शेषमणि उपाध्याय की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न रहा। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र दहिया में स्टाफ के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य बढ़ते साइबर क्राइम, यातायात नियमों का अनुपालन, महिलाओं बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध व इंटरनेट के माध्यम से ठगी आदि के प्रति लोगों को जागृत करना रहा। देखिए, पुलिस कमिश्नरेट आगरा में हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देशन में हर थाना क्षेत्र में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने क्षेत्र की जो जनता है उनके बीच में अपनी आउटरीच बढ़ाएं और जो भी वहाँ की समस्याएं, हर क्षेत्र विशेष की अलग अलग तरह की समस्या होती है, हर थाना क्षेत्र में अलग टाइप की समस्याएँ रहती हैं, उसके बारे में उनसे विचार विमर्श करके उनकी बातें जान करके और उसके अनुसार हम अपनी पुलिसिंग में जो चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में ये आज का आयोजन था और ये काफ़ी सफल रहा। सर, किन किन मुख्य बिंदुओं पर जैसे प्रकाश डाला गया? इसमें हमारे जो इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान चल रहे हैं, जिसमें हमारा एक मिशन शक्ति का 5वां चरण चल रहा है, मिशन शक्ति फेज 5। इसके अलावा जो ट्रैफिक का हमारा अभियान चल रहा है, उसमें हमारे कमिश्नरेट के अंदर हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि जो भी हमारे ऑटो और टेम्पो हैं उनमें ड्राइवर की सीट के दाहिने और बाएं जो गाड़ियाँ बैठाते हैं उन सीटों को हटवाए जाने का अभियान चल रहा है, क्योंकि इससे दुर्घटना की आशंका रहती है। इसके अलावा जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, जिसके बारे में हमारे SHO फतेहपुर सीकरी साहब ने, धर्मेंद्र दहिया जी ने बताया कि साहब वो काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं, जैसे अभी घटना हुई थी।